और इस बीच आपको देखिए एक और बड़ी खबर बता दें, अजमेर से बड़ी खबर है, मसूदा से इस वक्त की बड़ी खबर, अजमेर के मसूदा से इस वक्त की बड़ी खबर, महिला टीचर ने लगाया है हैरेसमेंट का आरोप। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिव कुमार दुबे पर यह आरोप लगाया गया, हैरेसमेंट का आरोप यहां पर महिला शिक्षा के द्वारा लगाया गया है और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच के दायरे में लाया जाएगा। अजमेर के मसूदा से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला टीचर ने यहां पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया है, महिला के आरोपों की जांच करेगी पुलिस टीम। यहां पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिव कुमार दुबे पर ये आरोप लगे हैं हैरेसमेंट के, तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है जिन पर आरोप, जबरन शारीरिक शोषण करने का भी यहां पर आरोप लगाया है महिला टीचर ने, टीचर पर ऑफिस में 2 घंटे साथ रहने का दबाव था, ये बताया है महिला ने आरोप लगाते हुए कि 2 घंटे उसको साथ रहने के लिए कहा जा रहा था, शारीरिक शोषण का भी यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। तो अजमेर से यहां पर देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला टीचर ने हैरेसमेंट का आरोप लगाया, यहां पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिव कुमार दुबे पर यह आरोप लगाया गया है कि जबरन महिला के साथ करने की कोशिश, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश, यहां पर ऐसे आरोप, अधिकारी ने महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की ये भी कहा जा रहा है और बात नहीं मानने पर कार्रवाई करने की धमकी भी दी यहां पर महिला को, टिप्पणी के साथ बात ना मानने पर धमकी, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग महिला ने मसूदा थाने में दर्ज कराया केस। और जावेद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। जावेद, महिला के आरोपों की सत्यता की जांच पुलिस कैसे कर रही है, पुलिस टीम क्या कह रही है, महिला के जो आरोप हैं इसके बाद कैसे अब पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ती दिख रही? देखिए शिवांगनी, मैं आपको बता देता हूँ कि मामला लगभग 1 महीने पहले से चला आ रहा है, जो जो शिक्षा अधिकारी है उसको काफी जो हैरेसमेंट कर रहा था उसको लेकर के महिला ने जो है मुख्यमंत्री को और महिला आयोग को जो है शिकायत दी है। फिलहाल देर रात को जो है मसूदा थाने के अंदर मामला दर्ज हुआ है, SC ST के तहत मामला दर्ज करके उसकी जाँच आरम्भ कर दी है। फिलहाल महिला जो है बहुत डिप्रेशन में बताई जा रही है और पुलिस का जो कहना है, पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जाँच की जाएगी, उसके ऊपर उसके पश्चात कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद तमाम जानकारियों के लिए।